करना तुम्हें भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भक्त दर्शन रात की महाविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर अभी आप जिनको सुन रहे थे हमारे लैसडाउन क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और मेरे बहुत पुराने मित्र जिन्होंने इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए लगातार संघर्ष किया है, लगातार जूझने का काम किया है, लगातार वकालत का काम किया है। आदरणीय महंत दिलीप रावत जी हमारे यमकेश्वर क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका मातृशक्ति की प्रतीक और जो लगातार इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं और बड़ा संयोग है कि आज ये जो महाविद्यालय का यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है ये कार्यक्रम मैं ऐसा मान रहा हूँ कि बिल्कुल दोनों ही विधानसभाओं के केंद्र बिंदु पर हो रहा है। वैसे भले ही टेक्निकली ये यमकेश्वर विधानसभा में है लेकिन यहाँ की उपस्थिति और आप सब लोगों को देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि टेक्निकली ये कहीं भी हो लेकिन दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों का ये केंद्र बिंदु है। यहाँ की यमकेश्वर क्षेत्र की हमारी लोकप्रिय विधायिका आदरणीय रेणु मिश्र जी, हमारे नव नियुक्त जिला अध्यक्ष भाई वीरेंद्र रावत जी, मंडी परिषद के चेयरमैन भाई सुमन कोटलारा जी और इस महाविद्यालय को लगातार आगे बढ़ाने के लिए, लगातार शिक्षा का संवर्धन के लिए काम करने वाली हमारी यहाँ की प्राचार्य लवली आर राजवंशी जी, मंडल अध्यक्ष भाई किरण बौठियाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता बड़े भाई आदरणीय राजेंद्र अंसवाल जी, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष, प्रतिनिधि उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर जानकी पवार जी, मोहन नेगी जी, ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह राणा जी, प्रशांत बचवान जी, जन बहादुर रावत जी, भंडारी जी, ब्लॉक प्रमुख अर्जुन भंडारी जी, दीपक भंडारी जी, अमित नेगी जी एवं मंचा सिंह, हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी प्रतिनिधिगण, विद्यालय के सभी हमारे शिक्षकगण और इस कार्यक्रम में पधारे सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आज भक्त दर्शन रात की स्नातकोत्तर महाविद्यालय के 50 वर्ष पूरे होने पर आप सबको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं, विद्यालय परिवार को भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस अवसर पर मैं विद्यालय की 50 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा में अपना अमूल्य योगदान देने वाले समस्त विद्यालय के गुरुजनों का, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं कि उनकी मेहनत, उनके परिश्रम से विद्यालय की ये ऐतिहासिक यात्रा विद्यालय ने तय की है। भाइयों बहनों, मैं ऐसा मानता हूं कि विद्या एक ऐसी चीज है जो बिना गुरु के प्राप्त नहीं होती है। गुरु ही मानव जीवन को प्रकाश एवं उन्नति से अलोकित करने का काम, सशक्त बनाने का काम, अपने पैरों पर खड़ा होने का एक माध्यम अगर कोई हम सबको प्रदान करता है तो गुरु करता है, विद्या करती है। शायद कबीरदास जी ने भी ठीक कहा है, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। यानी कि गुरु के बिना कोई भी रास्ता संभव नहीं होता है। इसलिए मैं इस अवसर पर राजनीति, साहित्य, शिक्षा, पत्रकारिता और सामाजिक जीवन में अपना अप्रतिम मान स्थापित करने वाले भक्त दर्शन जी को, जिन्होंने चार चार बार
लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया, भारत सरकार के मंत्री के नाते उन्होंने संपूर्ण देश को अपनी सेवा देने का काम किया और साथ ही एक राजनीति के क्षेत्र में रहते हुए भी एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि 62 वर्ष की आयु में, अभी दिलीप रावत जी मुझे बता रहे थे कि 62 वर्ष की आयु में ही उन्होंने राजनीति को छोड़ भी दिया। एक आदर्श रूप में उन्होंने जितने काम हो सकते थे उन सभी कामों को किया। मैं उनको इस अवसर पर मैं उनको भावपूर्ण अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। उनके परिवार के लोगों को, उनकी बिटिया यहां पर आई थी, उन सबको मेरे हाथों आयोजकों ने सम्मानित करवाया। मैं उनको भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी की भूमिका निभाने के साथ साथ उत्तराखंड क्षेत्र के नागरिकों के हितों की प्राथमिकता देने के पक्षधर रहे भक्त दर्शन जी का जीवन राजनीतिक और व्यक्तिगत दोनों ही रूप से उत्कृष्ट रहा है। उनके बारे में हम उनका जितना स्मरण इस अवसर पर करें उतना कम है। निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तित्व जो हमारे बीच से चले गए उनको हम आज भी याद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह प्रेरणा हमको देते हैं कि व्यक्ति अगर अपने जीवन में समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपने को समर्पित करता है तो राष्ट्र उनको सदैव सदैव के लिए वो अमर हो जाते हैं। और उसी का परिणाम है कि आज हम उनके इस स्कूल के जहां स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर उनका स्मरण कर रहे हैं। इस राजकीय महाविद्यालय का नामकरण ऐसी महान विभूति के नाम से किया जाना विराट व्यक्तित्व को हम सब की तरफ से एक सूक्ष्म श्रद्धांजलि है। भाइयों बहनों, इस महाविद्यालय के शिक्षकों और विद्यार्थियों ने जिस प्रकार से भक्त दर्शन जी के कामों को आगे बढ़ाने का काम किया है वह अद्वितीय है। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैं आप सबकी पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं। अपने गौरवशाली अतीत को याद करने का जो कार्य आप लोगों ने इस समारोह को आयोजित करके किया है वह यह दर्शाता है कि आप लोग अपने आज के माध्यम से अपने अतीत को, जिन्होंने हमारे सामने एक सुंदर दृश्य हम सबके लिए छोड़कर गए, शिक्षा का एक संस्थान हम लोगों के सामने आज एक भव्य रूप लेता जा रहा है, एक बड़ा आकार लेता जा रहा है, ये कहीं न कहीं उनके किए हुए कार्यों को सच्ची श्रद्धांजलि है। और हम उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। अपने प्रारंभिक काल से ही इस महाविद्यालय ने राष्ट्र निर्माण और प्रगति हेतु योग्य मानव संसाधनों को निर्मित करने का कार्य किया है। इस महाविद्यालय से निकलने वाले विद्यार्थी सामाजिक कल्याण के लिए सामाजिक क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्रों में निरंतर कार्य करते आए हैं। और मुझे अभी मंच पर प्रचार्य जी ने और दिलीप रावत जी ने बताया कि इस महाविद्यालय से जहां हमारे राज्य के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी जो अभी सांसद हैं और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, दोनों ही लोगों ने यहां से पढ़ाई की है। निश्चित रूप से यह विद्यालय अपने आप में एक अलग प्रकार की छवि इसकी पूरे प्रदेश में और देश में जाएगी। आने वाले समय में सेना और पुलिस प्रशासन में भी अद्वितीय कार्य करने वाले अनेकों अधिकारी यहां से निकले हैं। इस महाविद्यालय से निकले हुए विद्यार्थियों ने हमेशा समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है, समाज निर्माण का काम किया है। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर इस महाविद्यालय से आप सभी ने देश और प्रदेश के विकास हेतु अपने दायित्वों का पालन किया है। उसी प्रकार आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक आने वाले भविष्य की नींव रखी जा रही है, एक यशस्वी भारत बनाने का काम उनके माध्यम से हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर जहां संस्कृति के संरक्षण का ऐतिहासिक कार्य किया जा रहा है, वहीं भारत की युवा पीढ़ी, अभी अभी हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है, आजादी की 75 साल पूरे होने पर पूरे देश के अंदर अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए गए। ऐसे कार्यक्रमों में हमने जहां आजादी के लिए जिन्होंने अपनी जवानी दी, अपनी जिंदगानी दी, अपने आप को लगाने का काम किया, खपाने का काम किया, उन सभी का हमने स्मरण किया।
वहीं ऐसे नाम बेनाम नाम जो हम सबके सामने नहीं आ पाए, उन सबको भी इस आजादी के अमृत महोत्सव में हमने याद किया। वहीं जहां हमने अपनी उपलब्धियों को स्मरण किया, वहीं आगे के लिए भी संकल्प लिया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो युवा भारत बनना है, युवाओं के भविष्य का निर्माण होना है, इसको हमने अमृत काल की संज्ञा दी है। और इस अमृत काल में ये 2022 से लेकर 2047 तक का कालखंड हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कालखंड है, जिसमें भारत का निर्माण होना है और भारत इन 25 सालों में दुनिया को दिशा देने वाला भारत बनेगा, दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनेगा। भाई बहनों, थोड़ा सा हम अगर उस कालखंड की याद करें कि 2014 से पहले का भारत, उस समय भारत वैश्विक मंचों पर अपने हितों की बात नहीं कर पाता था, दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाता था। हमारी पहचान हो गई थी एक डब्बू भारत, पिछलब्बू भारत, अपने हितों की भी बात न कर पाने वाला भारत। आज 8 सालों के बाद हम कह सकते हैं कि भारत की पहचान आज जहां समरस भारत के रूप में, समर्थ भारत के रूप में और शक्तिशाली भारत के रूप में, और अपने हितों के लिए दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकने वाले भारत के रूप में हमारी पहचान हो रही है। भाइयों बहनों, आप सबको याद होगा पिछले दिनों रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा था। रूस यूक्रेन युद्ध के समय में हमारे पूरे देश के भी हजारों हजार बच्चे जो वहां पर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, विभिन्न विभिन्न संस्थानों में पढ़ रहे थे, उनको जब वापस आना पड़ा, हमारे उत्तराखंड के बच्चे भी थे, हमारे बेटे बेटियां भी वहां पर थी, जब उनको वापस आना पड़ा तो अपने हाथ में वहां बच्चों ने, हमारे देश के बच्चों ने तिरंगा अपने कंधे पर लिया और यूक्रेन सीमा से सीधे जेरोटोक बाहर आ गए। और जहां हमारे बच्चे तो बाहर आए ही आए, ऐसे देश जो हर समय हमको कोसने का काम करते हैं, पानी पी पीकर हमारी बुराई करते हैं, ऐसे देश के बच्चों को भी यूक्रेन की सीमा से बाहर आने के लिए भारत का तिरंगा अपने कंधे पर लेना पड़ा। यह नया भारत, भारत की मान सम्मान और स्वाभिमान और पहचान निश्चित रूप से आगे बढ़ी है। आज मोदी जी के नेतृत्व में विकास का एक नया रोड मैप तैयार किया गया है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 34 वर्षों बाद देश को एक नई शिक्षा नीति मिली है। भाइयों बहनों, नई शिक्षा नीति को भी, उत्तराखंड पहला राज्य है देश के अंदर जिसने नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया है। चाहे महाविद्यालयों में हो, चाहे हमारे बेसिक और हमारे अन्य विद्यालयों में, सभी प्रकार की शिक्षा में हमने इसको लागू किया है। भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की डबल इंजन की सरकार ने 9 पेंडेंसी को नीति को अपनाते हुए, यानी कि कोई पेंडेंसी नहीं रखनी है हमारे, चाहे वो आज हमारे शासन के कार्यालय हो, सचिवालय हो या जिले के कार्यालय हो, हमने सभी को कहा है कि कोई पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, सभी भी समस्याओं का, सभी कामों का, होने वाली जरूरतों का, आवश्यकताओं का सरलीकरण करना है, उनको आसान बनाना है। उनको अगर कोई कठिन चीज है तो उसका रास्ता निकालना है। इसी नीति को अपनाते हुए प्रभावी ढंग से प्रदेश में नई शिक्षा नीति को लागू करने का काम भी किया जा रहा है। हमारी सरकार युवा वर्ग को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। आज प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा हेतु नए नए हमारे विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों का उनकी स्थापना की जा रही है। छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का कार्य भी हमारी सरकार के द्वारा हो रहा है। विभिन्न योजनाओं के जरिए हमारी सरकार युवाओं को एक बेहतर भविष्य दे सके। हम अपने नौजवानों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर भविष्य देखें, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। पिछले दिनों जहां अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भर्तियों में शिकायत आई थी, उन भर्तियों की शिकायत के लिए, भाइयों बहनों, ये शिकायत कोई आज की नहीं है। मैं एक बार दिल्ली गया तो दिल्ली में मुझे कुछ पत्रकार बंधु पूछने लगे, अरे उत्तराखंड में आजकल तो बहुत घपले घोटाले हो रहे हैं। मैं रुका, मैंने कहा भाई आप जरा दोबारा प्रश्न पूछिए मुझसे, क्या कह रहे हैं। बोले आजकल बहुत भर्ती के घपले और घोटाले सुनाई दे रहे हैं। तो मैंने उनको बताया
कि ये भर्ती के घपले और घोटाले ये आज के नहीं है। ये 2014-15 से लगातार भर्ती में घपले और घोटाले सुनाई देते रहे हैं। इस बार भी मेरे सामने शिकायत आई, कुछ युवा लोग आए कि इन भर्तियों में गड़बड़ी हुई है, इनमें धांधलियां हुई है। मैंने उसकी प्रारंभिक जांच पुलिस से करवाई। भाइयों मैंने जब प्रारंभिक जांच करवाई तो उसमें गड़बड़ियों की शिकायत पुख्ता होने लगी। जब पुख्ता होने लगी तो हमने भी तय किया कि हम पुख्ता तरीके से इसकी पूरी जांच करवाएंगे और उत्तराखंड के एसटीएफ को हमने इसकी जिम्मेदारी दी, उत्तराखंड की पुलिस को जिम्मेदारी दी। उत्तराखंड की पुलिस ने इसमें जांच करी और 45 लोगों की गिरफ्तारियां हुई, जिसमें छोटे से लेकर बड़ा तक नकल करवाने वाला हो, पेन ड्राइव में नकल करवाने वाला हो, पर्चा आउट करने वाला हो, या पेपर मशीन छापने वाला हो, या अधिकारी हो, सबके खिलाफ हमने कहा एक समान कार्रवाई होगी और इसमें 45 गिरफ्तारियां हो। भाई बहनों, मेरे ख्याल से उत्तराखंड के इतिहास में इससे बड़ी गिरफ्तारियां किसी एक मामले में कभी नहीं हुई होंगी, क्योंकि इसके पीछे हमारा हेतु था कि चाहे कोई भी होगा हमारे बेटे बेटियों के साथ किसी प्रकार का, ये इस प्रकार का घिनौना कृत्य मैं कहूंगा इसको, इस प्रकार का अपराध भविष्य में कभी नहीं होना चाहिए। और इसलिए हमने कहा अंतिम व्यक्ति जब तक इसका पकड़ा नहीं जाएगा तब तक हम इस पर कार्रवाई जारी रखेंगे। भाइयों बहनों, अगर किसी गरीब माता पिता के, मैं आज एक विद्यालय के कार्यक्रम में आया हूँ, महाविद्यालय के, इसलिए कहना चाहता हूँ, एक गरीब माता पिता के बेटे बेटी के पास अगर सबसे बड़ी कोई पूंजी होती है तो पूंजी होती है उसकी शिक्षा। कोई उसका धन होता है तो वो धन होता है उसका शिक्षा। अगर उस पर भी डाका पड़ जाए, उस पर भी चोरी हो जाए, उस पर भी धोखा हो जाए, घोटाला हो जाए, घपला हो जाए, पेपर लीक हो जाए, तो उस माता पिता के, उस बेटे बेटी के पास कुछ नहीं बचता। भाइयों बहनों, इसलिए हमने इसमें कठिन निर्णय लिया और हमने कहा कि ये इसके लिए एक ऐसी नजीर बनाएंगे कि भविष्य में कभी कोई इस प्रकार का कृत्य करना तो बहुत दूर की बात, ऐसे कृत्य के बारे में सोचना भी उसके लिए बहुत भारी पड़े, इसलिए हमने इस प्रकार का निर्णय लिया है। भाइयों बहनों, साथ ही साथ 7,000 जो नियुक्तियां तत्काल होनी थी, वो 7,000 नियुक्तियां हमने कहा कि उसमें एक दिन का भी विलंब नहीं होना चाहिए। और तत्काल हमने मंत्रिमंडल में फैसला लिया कि 7,000 की 7,000 इन नियुक्तियों को हम लोक सेवा आयोग से करवाएंगे। उस समय जब हमने ये फैसला लिया था तो कुछ लोग कह रहे थे कि इतनी जल्दी ये नियुक्तियां कैसे हो सकती हैं, वह प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे। हमने कहा ये सितंबर माह है, हमने सितंबर माह में फैसला लिया है और मैं आपको कह रहा हूं कि अक्टूबर माह में हम इनके विज्ञापन जारी कर देंगे और दिसंबर माह तक सारी भर्तियां हो जाएंगी। भाइयों बहनों, मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जहां सितंबर माह में हमने ये घोषणा करी, इस प्रकार का फैसला लिया, अक्टूबर माह में सारे विज्ञापन निकल गए और दिसंबर माह तक सारी की सारी भर्तियां संपन्न होने की दिशा में आगे बढ़ जाएंगी। विभिन्न योजनाओं के जरिए हमारी सरकार युवाओं को एक बेहतर भविष्य दे सके, इसके लिए हम रात दिन काम कर रहे हैं। मुझे यह जानकारी मिली है कि यहाँ के ऐतिहासिक इंटर कॉलेज भी अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। इस अवसर पर मैं ऐतिहासिक इंटर कॉलेज के अध्यापकों विद्यार्थियों को भी अपनी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। स्कूल को आवासीय बनाने का प्रस्ताव भी मेरे संज्ञान में आया है और मुझे पता चला है कि स्कूल के छात्र व अन्य लोग काफी दिनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनशन पर बैठे हैं। अभी आए थे क्योंकि मैंने उनसे कहा था, मेरे विधायक जी से कहा था, गुरु जी से, कि हम लोग वहीं जाएंगे, लेकिन वो यहीं आ गए। जब वो यहाँ आए तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो वहीं आने वाला था, तो बोले कि हमें पता नहीं था। मैंने कहा कोई बात नहीं, कम्युनिकेशन गैप हो गया है, आप यहाँ आ गए हैं तो निश्चित रूप से हम आपकी सभी जो भी बातें हैं उन सभी का संज्ञान लेकर उसको आगे बढ़ाएंगे, आगे काम करेंगे। और मैं ऐसे विद्यार्थियों से भी जो लोग विभिन्न मांगों पर अनशन पर बैठे हुए हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि अपने अनशन को वो खत्म कर दें, समाप्त कर दें। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी समस्याओं को, समाधान को हम अवश्य ही प्रयास करेंगे और उसका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। मेरी भावनाएं आपके साथ हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले वर्ष जब स्कूल का शताब्दी समारोह मनाया जाएगा तो मेरी कोशिश होगी कि उस दिन मैं भी आप सबके बीच में आऊं। और भाइयों बहनों, हमारी सरकार
हर सुख दुख में, हर परिस्थिति में आपके साथ है। आप निश्चिंत रहिए, हम जरूर आपकी जो अपेक्षाएं हैं, जो आपकी आशाएं हैं, आपका विश्वास है, उस पर हम खरा उतरेंगे। उसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे कि हम खरा उतरे, उस पर आगे बढ़े और समूचे इस क्षेत्र को और अपने प्रदेश को आगे बढ़ाए। जिन प्रांगणों ने हमारे प्रदेश को आप जैसे होनहार विद्यार्थी देने का काम किया है, उनकी सेवा करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और बहुत सारे यहाँ पर दिलीप रावत जी ने यहाँ के बारे में, अभी मैडम ने, हमारी प्रधानाचार्य जी ने कहा है कि विद्यालय की छात्राओं के हॉस्टल की चार दीवारी इसका निर्माण किया जाना है। मैंने जिलाधिकारी जी से यहीं पर कह दिया है कि इसका निर्माण कार्य जिलाधिकारी जी, मैं घोषणा में तो करता हूँ, लेकिन जिलाधिकारी जी अपने ही यहाँ से उसको जिले से ही जो है उसको संपन्न करवा देंगे, चार दीवारी का निर्माण करवा देंगे। दूसरा, आपने कहा है कि यहाँ पर छात्र छात्राओं हेतु कला एवं विज्ञान संकाय के लिए पृथक पृथक पीजी ब्लॉक का निर्माण किया जाना है, उसको निश्चित रूप से उसकी डीपीआर इत्यादि बनवाई जाएगी, उसकी आगे की कार्रवाई की जाएगी। और आपने कहा है विभिन्न संकाय यहाँ पर खोलने के लिए, तो इसमें हम चरणबद्ध तरीके से एक एक करके, दो दो करके आपके जितने भी संकाय यहाँ खुल सकते हैं उसका आकलन हम लोग करवा लेंगे, उस दिशा में भी हम आगे कार्य करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर विकास खंड नैनीडांडा एवं गहरीखाल में मिनी स्टेडियम बनाया जाएगा, मैं इसकी भी घोषणा करता हूँ। विकासखंड गहरीखाल के अंतर्गत चिन्हो एवं विकासखंड नैनीडांडा के अंतर्गत आसोबो खली में वाटरफॉल का निर्माण किया जाएगा। जहरीखाल ब्लॉक में अमटोला पंपिंग योजना की भी स्वीकृति प्रदान की जाएगी। विकासखंड नैनीडांडा के अंतर्गत ऐतिहासिक गुड़ूगढ़ी में पर्यटन स्थल के विकास कार्य को भी किया जाएगा। विकासखंड नैनीडांडा रिकणीखाल के अंतर्गत कुमारडी कांडा भरई पिपली चिलाऊ खदरासी कामांदा कतिया तिमलसैन बगेड़ा रिकेड़ा इन सिंचाई नहरों का पुनरुद्वार का काम भी किया जाएगा। ये हमारे सब्जेक्ट तो बोल चुके आप ध्यान दीजिए। और हमारी, मैंने कहा कि ये विद्यालय हमारा दोनों ही विधानसभाओं के केंद्र में बिंदु में है, तो हमारी यमकेश्वर क्षेत्र की विधायिका रेणु बिष्ट जी ने भी हमको कहा है कि द्वारीखाल में सिंटाली नामक स्थान पर गंगा नदी पर पुल का निर्माण किया जाना है। इसको हम भारत सरकार को प्रस्तावित करेंगे कि ये पुल बने, जिससे कि जो है आने वाले समय में इस क्षेत्र के विकास में चार चांद लगे। दुगड्डा की नगर पालिका में स्वास्थ्य केंद्र का उच्चीकरण किया जाएगा, इसका मानकों के आधार पर परीक्षण करवा लिया जाएगा। साथ ही इन्होंने विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय की भी मांग की है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय भारत सरकार का केंद्रीय जो हमारा मानव संसाधन मंत्रालय है उसके अंतर्गत आता है। इसके लिए हम अपनी तरफ से यहाँ से प्रस्ताव यहाँ से भेज देंगे। और इन्होंने बीन नदी के लिए कहा है, बीन नदी के पुल का ऑलरेडी पहले से ही प्रस्ताव चल रहा है, उसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। पुनः मैं आज के अवसर पर आप सभी का अपनी तरफ से बहुत धन्यवाद करते हुए, विद्यालय परिवार को बहुत बधाई देते हुए कि उन्होंने एक शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया, हम सभी को और मुझे भी यहाँ आने का अवसर प्रदान किया, इतने सारे लोगों से यहाँ मिलने का अवसर प्रदान किया। मैं आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।